हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। आज जो क्लास ट्वेल्थ में जो 100% आप लोगों को एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है, वही मैं लेकर के आया हूँ। और मैं वही लेकर के आता हूँ जो 100% आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कर वैद्य दुई ध्रुव, तो कभी भी दुई ध्रुव मतलब दो पोल, डाई पोल को ही हम लोग कहते हैं दुई ध्रुव, तो याद रखेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लिया जाए कि हम दो वैद्य दुई ध्रुव ले देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर हम लोग थे पॉजिटिव और इस तरफ हम लोग ले लेंगे निगेटिव। बात समझिएगा मेरा, अगर हम लोग इस तरफ अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो इस ओर निगेटिव, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वैद्युत दुई ध्रुव में कि अगर इसको हम डेल्टा प्लस लेते हैं तो ये डेल्टा माइनस हो जाएगा। मेरा बात समझिएगा, तो इसमें क्या होता है ना मेरे भाई कि समान परिमाण के, यानी कि इसमें एक प्लस है तो इसमें एक माइनस है, तो परिमाण कितना हुआ? समान, यानी कि एक एक दोनों में छुपा हुआ है, तो समान परिमाण के। और विपरीत आवेश, तो विपरीत आवेश कैसे हुआ? तो ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है, समझ गए? तो विपरीत आवेश है, तो ये दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होगा, ठीक है। और कुछ विलगित होगा, मतलब कुछ दूरी पर होगा, उसी को हम लोग कहेंगे वैद्युत दुई ध्रुव। और इसका उदाहरण भी देना है, तो चलिए हम लोग फटाफट इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हम लोग देना शुरू करते हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे समान परिमाण, क्या लिखेंगे मेरे भाई? समान परिमाण, अभी मैं नया पेन लाया हूँ, ठीक है। समान परिमाण के कितने आवेश लेंगे? तो दो। समान परिमाण के दो, कैसा आवेश? तो विपरीत आवेश, तो विपरीत आवेश, ठीक है। आप लोग एकदम संयम बना करके रखे, छोटा सा वीडियो है। आवेश जो बहुत ही कम दूरी से, ठीक है, जो बहुत ही कम दूरी से, ठीक है, दूरी से विलगित हो, विलगित हो, कौमा वैद्युत दुई ध्रुव कहलाता है, वैद्युत दुई ध्रुव कहलाता है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे हमारे प्यारे दोस्त? तो समान परिमाण, यानी कि परिमाण समान होगा, इसमें भी एक इसमें भी एक, ठीक है। और विपरीत आवेश होगा, इधर प्लस तो इधर माइनस, तभी तो वैद्युत दुई ध्रुव बनेगा। हाँ, अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल पूछा है, तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे सो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे उदाहरण, चलिए फरेश चलता है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। एच सी एल ले लेते हैं और सी ओ ले लेते हैं, आदि कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ले लिए उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये H हो गया और यहाँ से यहाँ ये Cl हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा, समझ गए। और जबकि वही यहाँ पर हम लोग लिखें C और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग O, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पर हम लोग डेल्टा पॉजिटिव लेंगे, और निगेटिव चार्ज होगा तो इस पर हम लोग डेल्टा निगेटिव लेंगे, क्योंकि एक से अधिक होगा तो हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त, आप लोगों को मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नीचे जो है आप लोगों को बैक वाला जो भी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है दे दिया गया है, और एक एक मॉडल पेपर भी, हर साल वही मॉडल पेपर आप लोगों को पूछा जाता है, उसी प्रकार का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर आप लोगों को इच्छा हो तो देख सकते हैं, और टेलीग्राम भी दे दिया गया है, आप लोग वहाँ पर भी ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगा हो तो आप लोग को जो करना है सो आप लोग कीजिएगा, हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, तो आप लोग का इच्छा ही
हमारा इच्छा है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को और आगे क्या चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर, जय हिंद, जय भारत।